हेलो एवरीवन, आई एम पूजा। वेलकम बैक टू माय चैनल। जिन लोगों ने नहीं देखा होगा लास्ट वीडियो, गाइस जाके ज़रूर देखिए। और मैंने वहाँ पे डिटेल दिया था कि हम लोग सोमनाथ से द्वारका कैसे ट्रैवल किया है। और ये मॉर्निंग व्यू है जो हम लोग पहुँच रहे हैं द्वारका स्टेशन पे। देखिए आप लोग, हम लोग 7 o'clock को पहुँच गए थे और अब हम यहाँ पे अपनी गाड़ी देख रहे हैं जो हम लोगों को होटल जाने के लिए। और हम लोगों को गाड़ी मिल गई है, उसके बाद हम लोग आगे का बताते हैं। कुछ टाइम बाद हम लोग वहाँ पे होटल मिलने के बाद रेडी होके हम लोग सब लोग नीचे आ गए हैं। आगे आगे हम लोग कैसे ट्रैवल करते हैं, कहाँ जाते, मैं आपको आगे के सब कुछ दिखाऊंगी। पूरा एंड तक वीडियो देखिए। कहाँ जा रहे हैं अभी हम लोग? ये देखो वैष्णो देवी जा रही है। इसको पहले ग्रुप में से बाहर निकालो, हमारे लड़की को, जिसको ये ही नहीं पता कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, वो भी वैष्णो देवी। हम लोग ये पहुंच गए गाइस। आप सोचते होंगे कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं बेट द्वारका। तो जो बेट द्वारका जाना होता है वो बोट लेके हम लोगों को उस साइड जाना होता है। तो अभी हम लोग बहुत सारा रश हो गया है, अभी हम लोग बोट का इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे हम लोग को बोट मिल जाएगा, और 20 मिनट्स लगता है बोट में जो इस पार से उस पार लेके जाएंगे। बहुत ही अच्छा व्यू था गाइज़। आपने देखा होगा कि हम लोग जब बोट में बैठ के जा रहे थे और सब कुछ अच्छा था, बस वहाँ पे गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि जो नहीं सोचा था, और वो उससे ज़्यादा ही गर्मी था, मुंबई से भी ज़्यादा गर्मी थी एक्चुअली वहाँ पर। बिस्किट लीधा होत तो ना खाई लाजो। ए मम्मी किधर आ गई? अभी हम लोग जहाँ पर आए हैं वो है गोपी तलाव। यहाँ पर गाइस, यहाँ पर जितने भी कृष्ण भगवान की गोपियाँ थी तालाब के अंदर समा गई थी। अभी हम लोग वहाँ पर जाने वाले हैं। नागेश्वर टेंपल आ गए हम लोग, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। तो अभी सब लोग जा रहे हैं मंदिर के दर्शन के लिए।
ये है गाइज जो नागेश्वर टेम्पल, जो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग ये भी माना जाता है, और एक जो था वो था सोमनाथ में जो टेम्पल था, उसको भी 12 ज्योतिर्लिंग में से एक माना जाता है। और अब आप जो देख रहे हो ये हम लोग पहुँचे हैं, ये है इस मंदिर का नाम है रुक्मणी टेम्पल। नाइट में 7 o'clock के आसपास हम लोग द्वारका टेम्पल में जब गए हुए थे, एक्चुअली वहाँ पे फ़ोन अलाउड नहीं है गाइज, वहाँ पे लॉकर में ही फ़ोन रखना होता है, सब कुछ अपना पर्स वगैरह जो भी कुछ है। देन हम लोग गए थे तो वहाँ पे इसलिए शूट नहीं कर पाए, वीडियो नहीं ले सकते हैं। और उसके बाद बाहर आने के बाद जो मैं दिखा रही हूँ आपको वो मार्केट एरिया था, बहुत ही अच्छा शॉपिंग सेंटर था वहाँ पर। मगर दूसरा कलर नहीं जमेगा, जब तुम्हें कलर पसंद आ गया ना, पसंद आया तो तू भी उसको होल निकाला और ले जाना, साड़ी फोल्ड नहीं है। और वो पूजा जो हम लोग गाय करती की, तो कोई ना साड़ी दो कौन है, तो भी इधर से देखो, इधर से जाओ, पीछे तीन साड़ी लगाए हुआ है, बोलो इधर उस तरफ खाना आती है, आगे से देख लो ठीक से दिखाई देगा। ऐसा लगा फर्स्ट टाइम चॉइस किया, सत्यानाश कर दिया हुआ। कौन सा साड़ी लिए हम लोग, इस सारे साड़ी के कलर, इतना सारा साड़ी लिया हम लोगों ने, अपना हो गया ना पाँचों, पाँच किधर है, पाँच हो गया, तीन तुम्हारा दो हमारा। ओ भैया हिसाब करो, चलो दे दो। मंदिर के पास ही गाइस हमारा होटल था, इसकी वजह से हम लोग मॉर्निंग में फिर से आ गए थे रेडी होके दर्शन लेने के लिए, बिकॉज रात को हमारा अच्छे से दर्शन नहीं हो पाया था बहुत ज़्यादा रश होने की वजह से। तो हम लोगों ने मॉर्निंग में ही दर्शन भी किया और कुछ शॉपिंग जो थोड़ा बहुत लेना था वो भी हम लोगों ने ले लिया। उसके बाद हम लोगों ने नाश्ता किए, देख सकते हो आप वहाँ पर जो यहाँ का फेमस था ढोकला फाफड़ा जलेबी वगैरह वो सब कुछ खाया। उसके बाद सब लोग गाड़ी में बैठ चुके हैं, अभी जा रहे हैं सब लोग कहाँ, अपने अपने घर, मुंबई, अभी नहीं दुबई, मुंबई, अभी नेक्स्ट ट्रिप किधर, मेरे को राजस्थान जाना, बालाजी बालाजी तिरुपति बालाजी, तिरुपति बालाजी का, ठीक है। और कोई कुछ बोलना चाह रहा है, बालाजी इधर ही आ रहे हैं, चलो बाय, राजा बाय, पहचान नहीं रही थी, मैयर का प्रोग्राम बना था, ये देख खाली नहीं मिला। हेलो ना मुझे फोटो बनाया, हम लोग बाय, बोलो हम लोग प्लेटफॉर्म पे आ गए, हम लोग जा रहे घर पे। सामान नहीं दे रही है, सिर्फ अपने आ रही है, साथ ही माँ के साथ आ रही है, बाबू दो दे दो। और भैया इसमें लाड़ता किसी को नहीं है, दे साल बाद हम लोग ये देखेंगे तो हम लोग को यादें आएंगे, हम लोग इधर बैठे थे तो ऑटोमेटिकली आता है ना मुझे मोबाइल पे क्या नोटिफिकेशन, ये रहे हमारे सारे लगेज, हम लोग अभी ट्रेन का वेट कर रहे हैं यहाँ पर। Thank you.
जा रहे हैं हम लोग। अच्छा अनार को क्या बोलते हैं? पता है क्या बोलते हैं इंग्लिश में? आप भी हाथ ऊपर करो ना, पता है आलू आलू को क्या बोलते हैं? आलू को किसको पता है? आलू टमाटर घोड़ा का बाजू क्या जो रहता था? गोल सा बड़ा नहीं नहीं गोल सा बोल रहा है तो कद्दू रहता था, लंबा रहता था भोपला 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 क्या बोलते हैं भोपला का बाजू? भगा दो आंटी इसको पापा के पास। डिनर में हम लोगों ने एक स्टेशन पे वहाँ पे डोमिनोज को ऑर्डर करके डोमिनोज से पिज़्ज़ा मंगवाया था गाइस खाने के लिए, और उसके बाद खा पी के हम लोग सो गए। एंड गाइस अगर किसको भी कुछ भी डिटेल अगर चाहिए होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर पूछिए, मैं सबको डिटेल बता दूँगी कैसे हम लोगों ने ट्रैवल किया था। और ये हो गया मॉर्निंग, मॉर्निंग में हम लोग गाइस देख सकते हो आप लोग हम लोग पहुँच के अपनी गाड़ी का वेट कर रहे हैं। अगर मेरे चैनल अच्छी लगी होगी तो चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।